एडिटोरियल के अंदर हम ये एडिटोरियल हम पढ़ने वाले हैं। यह एडिटोरियल आपका द ट्रिब्यून से लिया गया है, डेट अक्टूबर 25, 2018। एडिटोरियल में हम बात करेंगे दिवाली फेस्टिविटीज सेंस नॉइस, मतलब दिवाली की जो सेलिब्रेशन है उन्हें बिना शोर शराबे के सेलिब्रेट करना। समरी में अगर बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरह से जो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस के अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं और अलग अलग तरह की प्रोविजंस लेकर आए हैं कि कब कौन से त्यौहार में किस तरीके की सेलिब्रेशन किया जाएगा। पेशेंट में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इन सब के बारे में इस एडिटोरियल के अंदर दिया गया है। डिटेल एनालिसिस शुरू करते हैं तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। यह हमें पता है कि दिवाली, गुरु पर्व, क्रिसमस और न्यू ईयर, इनमें जो भी क्रैकर्स को बर्स्ट करने का जो सिलसिला होता है, वो सेलिब्रेट करने की क्रैकर्स के साथ, पटाखों के साथ सेलिब्रेट कर किया जाता है, तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस सुप्रीम कोर्ट ने लगाए हैं। तो राइटर का कहना यही है कि ये एक स्मॉल स्टेप होगा रिस्पॉन्सिबल लिविंग के लिए। तो अभी हमें काफ़ी चीज़ें करनी हैं एक रिस्पॉन्सिबल लिविंग के लिए। अभी ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं वो काफ़ी नहीं है। यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि एपेक्स कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने भी फायरवर्क्स के मॉडरेट यूज को फेवर किया है। उन्होंने कंप्लीट बैन नहीं लगाया है, पर कुछ हद तक लोग यूज कर सकते हैं, मॉडरेट यूज कर सकते हैं पटाखों का, एक बस इस एक्सप्रेशन में कि वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, एज एन एक्सप्रेशन ऑफ सेलिब्रेशन। क्योंकि लास्ट टाइम जब दिवाली आई थी तो वहाँ पे एक तरीके का ट्रायल देखा गया था कि कंप्लीट बैन लगा सकते हैं या नहीं, लेकिन वह फेल हो गया था। और जो जो पटाखे की सेल थी उसको बिल्कुल भी कर्व नहीं कर पाए थे, क्योंकि वहाँ पे तो सेल हो रही थी, पर उस टाइम बहुत ज़रूरी था पटाखों की सेल को कंट्रोल करना, बैन लगाना, क्योंकि वहाँ पे जो पटाखों, जो पॉल्यूशन का लेवल है वो इमरजेंसी लेवल तक पहुँच गया था। स्कूल्स बंद कर दिए गए थे और काफ़ी इंडस्ट्रीज को भी बंद कर दिया गया था। इस साल कंप्लीट बैन नहीं लगाया गया है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, जैसे कि केमिकल, आप जो बहुत ही टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं वो यूज़ नहीं कर सकते पटाखों के अंदर। और इस बार 2 आवर विंडो दी गई है कि 8 से 10 बजे तक आप दिवाली या गुरु पर्व जैसे त्यौहार पे पटाखे चला सकते हैं। लेकिन साथ में एक और चीज़ है कि 35 विंडो दी गई है, 35 मिनट की विंडो दी गई है आपकी क्रिसमस और न्यू ईयर पे, जिसका मतलब है कि क्रिसमस और न्यू ईयर पे लोग पटाखे चला सकते हैं आधी रात में, मतलब 11:55 से 12:30 तक। इसके साथ में कोर्ट ने कहा है कि वह मतलब ये जिस तरीके का गाइडलाइंस आए हैं इसके अंदर रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो कम्युनिटी के हैं उनको भी ऑफेंड नहीं करें, इसकी बहुत कोशिश की गई है। क्योंकि अगर किसी रिलीजन, ये एक रिलीजन का भी मुद्दा हो सकता है, क्योंकि आप पटाखे और ये सेलिब्रेशन नहीं करने के लिए आप बैन कर रहे हैं पटाखे, तो कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी ऑफेंड हो सकती है। अब इतने सब कुछ मेजर लिए गए हैं, पर राइटर कहते हैं कि इट इज़ नॉट सफिशिएंट। अगर बड़े ही कड़े शब्दों में राइटर कहते हैं कि अगर ये जो सिटीजन है, जो लोग हैं, खुद बिल्कुल कट्टर हैं खुद ही सुसाइड करने के लिए, तो कोई भी पुलिस फोर्स
कोर्ट के ऑर्डर के सही इम्प्लीमेंटेशन को कंट्रोल नहीं कर सकती, वो कंप्लायंस नहीं चेक कर सकती जब सिटीजन खुद पटाखे छुटा छुड़ा चला के खुद कमिट खुद सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो सबसे मेन चीज है वो क्या करना जरूरी है कि सिटीजन्स को अवेयर करना बहुत जरूरी है। आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को बहुत जोरदार कोशिश करनी चाहिए कि अवेयरनेस को क्रिएट कर सकें, क्योंकि उनका मानना यही है कि पर्सुएशन से मनाने से ही कुछ फर्क पड़ सकता है। जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल और हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन को बड़ों से ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि पटाखे और इस तरीके से सेलिब्रेशन करें, लेकिन काफी बच्चे फायर क्रैकर्स नहीं चलाते हैं क्योंकि उनके स्कूल ने कन्वे किया है कि ये हार्मफुल होते हैं, तो इस वजह से वो नहीं सेलिब्रेट करते और इन्वायरमेंट को ज्यादा तवज्जो देते हैं। इसी तरीके के कैंपेन्स को और इंटेंसिफाई करने की जरूरत है। आगे बात करेंगे कि कोर्ट ने तो अपना रोल प्ले कर लिया, उन्होंने जो गाइडलाइंस दी थी, जो पिटीशन आई थी उस पर उन्होंने अपना जजमेंट दे दिया। अब जो सिटीजन है, जो अवेयर सिटीजन है, उन्हें रिस्पॉन्सिबली एक्ट करने की जरूरत है। साथ में जो गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, उन्हें भी अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि बहुत सारे जो स्टेट्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ले तो वहां पे पॉलिथिन बैन हो चुकी है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अलाउड है। तो यहाँ पे जो डिकोटोमी देखने को मिलती है यह कंफ्यूजिंग है। एक जगह आप पॉलिथीन को बैन कर रहे हैं, इन्वायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी केयर की तरफ बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ आप मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग अभी तक बैन नहीं करी है। तो यह एक गलत इंटेंशन दिखाई देता है गवर्नमेंट की तरफ से। सिमिलरली अगर आप फायर क्रैकर्स की अवेलेबिलिटी जब तक रहेगी तब तक एनवायरनमेंट में अब्यूज, जो एनवायरनमेंट का अब्यूज है वो होता रहेगा। इसलिए हमें भरना चाहिए कंप्लीट बैन की तरफ, क्योंकि ग्रीन क्रैकर के नाम पे अगर आप सोचो कि वाकई में ग्राउंड लेवल पे ग्रीन क्रैकर ही आएंगे तो यह मुश्किल है, एक डिस्टेंट ड्रीम है। सॉल्यूशन जो लाया करता है वो आपका कंप्लीट बैन पे लाया करता है। पर सरकास्टिकली राइटर आगे बोलते हैं कि यह बिल्कुल डिफिकल्ट होगा पॉलिटिकल लोगों को इस तरीके के लॉ लाने में, क्योंकि खुद पार्टी अपनी जो विक्ट्रीज होती है उन्हें एक बहुत ही शोर शराबे से पटाखे चला के करते हैं, तो ऐसे में ये बिल्कुल बैन कैसे करेंगे। बाद में वो यही कह रहे हैं कि अगर लेजिस्लेचर्स सीरियस हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के मामले में तो उन्हें इमीडिएटली इस तरीके की एक्टिविटीज खुद बंद करनी होगी और